सेना भर के बुद्ध को बुलाया और बुद्ध बुद्ध कंफ्यूजन धर्म को रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर और प्रेसिडेंट उजिताव ने कहा कि ईर्ष्या को कम करने के लिए हमें धर्म को वापस लाना है। हम तो कम्युनिस्ट है, हम तो मानते नहीं, पर तो देश को संतुष्ट रखना है और ये जो सारा उपद्रव हो रहा है उसको कम करना है, इसीलिए हम वो पुरानी बातों को भी लाना है। पीछे हटने से हम रूढ़िवादी नहीं हो जाते। आज हम प्राणायाम करने से हम पीछे हट रहे नहीं है, हट रहे नहीं। हम एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ करके प्राणायाम योगा करें और रामदेव को के पीछे पागल भागे तो हम पीछे नहीं हट रहे। हम जो आगे हुआ है वो हमारे अनुकूल नहीं है, इसीलिए हम उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वो है। और हमारे गुलामी काल में हमारे दिमाग को भ्रष्ट किया गया, हमारे दुनिया भर के झूठ बताया गया कि हम एक देश नहीं है, हम दो कौम हैं, कोई आर्यन है, कोई द्रविड़ियन है। और दुनिया भर के गलत फहमी हमने पैदा की। तमिलनाडु में करुणानिधि है, वो आज भी उसका जप रहे हैं जो अंग्रेजों ने सिखाया। जब हम राम सेतु के लिए हम लड़ रहे थे तो उसने कहा कि राम सेतु ये कैसा हो गया नाम, राम सेतु वो तो कौन से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में राम गए, कैसा राम सेतु हो गया, क्या उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री थी, उन्होंने सेतु बनाया। लेकिन दूसरे दिन बीमार हो गए और वो रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल हुए। तो मैंने चिट्ठी लिखा है कि MBBS तो कम से कम है। तो जब संपत्ति एक अंतिम लक्ष्य होता है और सिर्फ एक लक्ष्य होता है तो समाज सुधर नहीं सकती। ये हमारी सनातन धर्म में है और इसको एक नवीन तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से उन्होंने धज्जी उड़ाई GDP को, मुझे लगता है कि मैं हर साल जाता हूँ हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए, मैं GDP पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा आपको। पर बात सही है, वो इम्परफेक्ट है, इसके लिए और कुछ हमें सोचना चाहिए और सिर्फ उसको लेकर के हम ये नहीं कहना चाहिए कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें ये वन व्यवस्था से भी यही बात निकलती है। खेद की बात है कि वन व्यवस्था जन्म से जुड़ गया है। जो गीता पढ़ेंगे 4वां चैप्टर 13वां श्लोका में कृष्ण भगवान स्पष्ट कर देते हैं इस ये गुण से जुड़ा हुआ है, ये जन्म से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुड़ गया। जाति जन्म से ठीक है पर वर्ण तो कभी जन्म से नहीं था। भृगु और भारद्वाज दो ऋषियों ने इस पर बहस की थी, वर्ण व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, क्यों क्यों वर्ण व्यवस्था आई थी। उन्होंने ये कहा कि 4 सत्ता के केंद्र हैं, एक है विद्या, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है धन, चौथा है भूमि। ये चारों को एक जगह में नहीं होनी चाहिए, इनमें से एक भी किसी के पास दो नहीं होना चाहिए। तो जिनके पास विद्या है उनके पास शस्त्र नहीं होगी, उनके पास धन नहीं होगी, उनके पास भूमि नहीं होगी, उनको ब्राह्मण कहते थे। और ब्राह्मण होने से यानी आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा तो नहीं है। रावण ब्राह्मण था और उनकी हत्या की एक क्षत्रिय ने, रामचंद्र जी ने। देश भर के जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं वो सब तो राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा नहीं करते हैं। कि ये नहीं कहा कि ये क्षत्रिय ने जाकर हमारे ब्राह्मण को मार दिया, ऐसे तो नहीं कहते, क्योंकि वो जन्म से नहीं जुड़ा हुआ था। वाल्मीकि सबसे पिछड़ा जाति से आए थे, यानी उसके माँ बाप पिछड़ जाति थे, लेकिन सरस्वती ने उनको ज्ञान दिया तो वो महर्षि बने और रामायण लिखे। और वेद व्यास उनकी मां मछुआरा थी, जो ऋषि के ऋषि थे विश्वामित्र वो तो क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रिय परिवार से आए। कालिदास जंगलों में शिकार करता था और वो बन गया महाकवि महर्षि। तो ये जात का संबंध कोई नहीं है। यदि आप शिक्षा में हैं और आप शस्त्र को नहीं उठाते और आप किसी से डरते नहीं और आपके पास कोई संपत्ति नहीं, जमीन नहीं है, तो आप ब्राह्मण हैं। उस डेफिनेशन में बजरंगलाल जी ब्राह्मण हैं, गुप्ता नहीं।
तो ये था कल्पना। और हम राजा के प्रशस्त था, लेकिन युद्ध करना नहीं करना ये अपने आप फैसला नहीं कर सकते थे, ये ब्राह्मण की सलाह पर करते थे। इसीलिए हम मोनार्की कभी नहीं थे, हमारे पास राजा थे परंतु हम मोनार्की नहीं था। राजा हमारे आज के प्रेसिडेंट जैसे है, वो सलाह पर चलते थे। जिन लोगों ने पैसा बनाया वैश्य उनका भी सम्मान था, परंतु उसके आधार पर उनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं। तो इस तरीके से भृगु व भारद्वाज दो ऋषियों ने बहस करके समाज में विकेंद्रीकरण लाने के लिए उन्होंने इस धर्म व्यवस्था बनाई, और उसमें उन्होंने फिर दान करना, जिसको अमेरिका में आजकल फिलंथ्रोपी कहते हैं, या गांधी ने कहा ट्रस्टीशिप, उस तरीके से ये मेरा नहीं है, ये समाज के लिए मैंने इकट्ठा किया है, वो भावना पैदा करना, ये सबसे हमारे देश में मुख्य कारण है कि इतने साल और आज भी ये टूटा बिना टूटे और ये संस्कृति चलते आई है। कितने भी आक्रमण हुए इस संस्कृति को दबा नहीं सके। ईरान में गए मुस्लिम, 15 साल में उसको 100% मुस्लिम बना दिया था, ज़ोरोएस्ट्रियन थे उन्होंने उसको 15 साल में 100% बना दिया। बेबीलोन गए, जिसको आजकल इराक कहते हैं, उस इराक को उन्होंने 28 साल में संपूर्ण रूप से मुस्लिम बना दिया, 100%। इजिप्ट को भी क्रिश्चियन गए, यूरोप में 50 साल में उन्होंने 100% क्रिश्चियन बना दिया। यहां 800 साल पहले मुसलमान, उसके बाद 200 साल क्रिश्चियन, 1000 साल के बाद भी आप 83% है, और अखंड हिंदुस्तान 75% है। तो इसके माने आप झुके, भले आप संगठित नहीं हो सके और कुछ कारण हो सकती है कि इतना साल लगे, लेकिन उस सनातन धर्म जिससे एक नवीन रूप में आज के आधुनिक काल की पुकार में डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता ने थीसिस लिखी है, वो उसी अटूट संस्कृति का हिस्सा है। तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता के पुस्तक को, क्योंकि वो संघ के अधिकारी हैं और यहां भी संघ के बहुत प्रमुख लोग बैठे हैं, वेदांतम जी जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट हैं बीएचपी के, और हमारे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जगदीश मुखी और अन्य लोग। तो मैं समझता हूं कि जिस जहां भी बीजेपी की सरकार है, संघ को बाध्य करना चाहिए कि इस पुस्तक को कंपल्सरी रीडिंग करके इसमें एक कोर्स करनी चाहिए। भाषा में अनुवाद तो आपकी चिंता है, मेरी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि आज जो बुद्धिजीवी कहला जाते हैं, जो गुलाम है वास्तव में, उनको जिस भाषा में आप शास्त्रार्थ के रूप में पराजय कर सकते हैं उस भाषा में ही बोलनी चाहिए। अंग्रेजी में पराजय करना है तो अंग्रेजी में ही करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं, मुझे तो नहीं लगता कि हिंदी में और तमिल में ऐसे कोई लोग मिलेंगे जो आज अंग्रेजी में जिस तरीके से हमारे देश की मूल धारा से हटे हुए हैं। तो इसीलिए पुस्तक अंग्रेजी में लिखा, मैं बधाई देता हूं, क्योंकि चैलेंज करनी है जो आज ऊपर बैठ करके कंट्रोल कर रहे हैं, और उस उनके में डिबेट करनी चाहिए, उनको चैलेंज करनी चाहिए, उनको हराना चाहिए। और ये शास्त्रार्थ कहते थे हमारे पुरानी संस्कृति में, तो वो होनी चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि इस पुस्तक पर हमारी जो सरकारें हैं, हमारे माने जो कांग्रेस के हाथ में नहीं है, उनसे कहकर कोई एक प्राइज रखनी चाहिए एनुअल एसे में, ताकि 1 लाख रुपए कह दें कि बेस्ट एसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, डेवलप दिस फर्दर, इसको आगे और डेवलप करने के
जो भी दिखता है उसको 1,00,000 रुपए देंगे, ये मेमोरियल प्राइस ऐसा कुछ करनी चाहिए, इस तरीके से ये प्रचार होगी। और नहीं तो ये पुस्तक अनेक पुस्तकों में बनेगी। मैं मुझे खेद है कि वैसे भजन लाल जी ने इंटरनल ह्यूमनिज्म एकात्मा मानव को बहुत आगे ले गए हैं, और उस कारण से इंटेग्रल ह्यूमनिज्म वास्तव में पहली बार एक वैकल्पिक सिद्धांत थी। बाकी सब भौतिकवाद पर कह रहे थे, भौतिकवाद के आधारित एक आयाम में, ये दो आयाम में थी, ये पहली बार नहीं थी, हिंदुस्तान के लिए नहीं थी पर दुनिया के लिए नहीं थी, उसको लेकर के हम दुनिया भर में इस पर शास्त्रार्थ करनी चाहिए थी, किया नहीं। लेकिन अब इस पुस्तक के नए रूप में इंटेग्रल ह्यूमनिज्म को सम्मिलित करके आई है, इसको इस तरीके से हमें एक डिबेट के हर जगह में डिबेट करने के लिए हमें सबको बाध्य करना चाहिए, तभी इन आइडियाज को हम जम कर सकेंगे, इसको हम सबमिशन कर सकेंगे और अपने विचारों में ला करके आखिर में इसके आधार पर क्रियान्वित कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर गुप्ता को, जिनको मैं ब्रह्म ऋषि कहूँगा नए परिभाषा में, और भी आगे आप ऐसे पुस्तक इस पर और विश्लेषण और इस पर वाक्या लिखते रहेंगे। धन्यवाद। आध्यात्मिकता और बौद्धिक विकास का संतुलन बिगड़ गया, उस संतुलन को वापस पाने का व्याकरण है सुमंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारती जी, डॉक्टर स्वामी जी। अब मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आज की सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर रामजी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और अपना व्याख्यान दें। सौभाग्य है कि सारस्वत यज्ञ में आकर कुछ सीखने का अवसर मिला है। मैं औपचारिकता के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जब प्रोफेसर गुप्त जी की पुस्तक मैंने देखी थी और जो मेरे मन में जो भाव आया वो तो मैंने लिख लिया, इसीलिए ये मैं नहीं समझता था और मैं समझता हूँ कि यह उनका आयोजन है, उसके साथ उन्होंने हमको भी जोड़ लिया है, इसीलिए प्रकाशक लेखक और लेखक को प्रणाम करने वाले सब एक ही परिवार के हैं। हमारे मित्र बहुत प्रखर मित्र, भारत को गर्व होना चाहिए। श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी जब हमसे उन्होंने पूछा कि आपकी PhD की डिग्री वगैरह किस में है, इकोनॉमिक्स में है, तो मैंने तो अपना कहा कि नहीं, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ और आज आप हार्वर्ड के प्रोफेसर जो अर्थशास्त्र पर सुनने आया, तो ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य था। और वैदिक जी जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो थाम पतन हो रहे हैं उसके संबंध में जब चर्चा हुई तो हमको सचमुच में कुछ नए तत्व मिले। जहाँ तक इस पुस्तक के विषय में, सब आप लोगों की ओर से और अपनी ओर से अंतर से गुप्त जी को मैं शत शत बधाई देता हूँ कि इसका दूसरा संस्करण उनको जल्दी करना हो। प्रकाशक को भी नहीं भूल सकता हूं कि जिन्होंने छापा और प्रेम से छापा है। अंग्रेजी वाली पुस्तक को थोड़ा देखना होगा इधर उधर, लेकिन ये पुस्तक अच्छी तरह से छपी। ये पुस्तक कहते हैं विकास का दर्शन, जब देखिए मैं तो दर्शन कर दिया,
विकास शब्द आयातित शब्द ईशावास्योपनिषद में संभूतिं च विनाशं च, तो विकास भिन्न है। ये जो तत्व है वह विकास से भिन्न है। विकास शब्द या चाइल्ड लेबर शब्द, बाल श्रम शब्द या मानव अधिकार शब्द, इन शब्दों के लिए बहुत मुझे ये आदर है, लेकिन ये शब्द आयातिक हैं और अपूर्ण। हमारे यहां तो जैसे ह्यूमन राइट्स की बहुत चर्चा होती है, तुरंत बगल में एक कोठरी में हो रहा है कि ये जो ग्रीन हंट और रेड ब्राइडर में जो कुछ हुआ है उसके संबंध में, वहां बात तो होती है कि अधिकार की, लेकिन कर्तव्य के बिना अधिकार तो अनाथ है। इसीलिए ये बाल श्रम की कल्पना, ये सब, और उसी प्रकार से विकास की भी डेवलपमेंट का भी जो प्रत्यय और अवधारणा है वह आया है। और इसीलिए मैं आपके सामने ये जो आयातित शब्द है ये भारत की आत्मा को कभी अभिव्यक्त ठीक से नहीं कर सकते। डेवलपमेंट माने पीडब्ल्यूडी यानी निर्माण का, मिट्टी बना लिया तो मानव निर्माण कहां से होगा। इसीलिए प्रोफेसर गुप्त ने बड़ी मेहनत से एक ध्यान खींचने की कोशिश की है कि आखिर विकास शब्द उन्होंने दिया चूंकि चल रहा है कितना करने को कष्ट, लेकिन वस्तुतः हमको जब विकास के संबंध में जो ये बातचीत होती है तो मुझे केवल भारतीय चिंतन धारणा, भारतीय संस्कृति की अवधारणा में, इसलिए नहीं कि भारतीय है बल्कि वैश्विक कल्पना पर आधारित है, और वह है हमारे चतुर्पुरुषार्थ का। चतुर्पुरुषार्थ में हम धर्म धर्म से घबराते हैं। धर्म को एक बेसिक ने लिखा है, धर्म इज द इनर नेचर That has reached in each man a certain stage of development. तो ये तो अंदर की चीज है, धृति धर्म, धर्म है, क्षमा धर्म है, अक्रोध धर्म है, संयम धर्म है, तो ये धर्म ऐसा है वैश्विक है। विश्व में अगर धर्म मान्य है तो मनु का दस धर्म मान्य होना चाहिए। इसीलिए हमको लगता है कि धर्म से हमारा प्रारंभ, कहा रस्किन ने कहा, वो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी तो बहुत गहराई से पढ़े कि जो ठीक उन्होंने कहा, बहुत हमको सुखद आनंद हुआ कि जब वो कह रहे थे कि ये जो अर्थशास्त्र अगर अनीतिपूर्ण है तो वह अर्थशास्त्र नहीं अनर्थशास्त्र, और इसीलिए वो बिना नैतिकता के अर्थशास्त्र को नहीं चल सकता। इसीलिए धर्म का तो आश्रय होना ही चाहिए, तब अर्थ है, पहले अर्थ नहीं होता है। ये चतुर्पुरुषार्थ, पहले धर्म होता है और धर्म पर आधारित अर्थशास्त्र। कहां गया पांडव का कि नैतिकता, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ और मौन की अर्थ से पुरुषोदास, ये अर्थ की अनिवार्यता, अर्थ का महत्व तो प्रकट करता है लेकिन धर्म नहीं। इसीलिए हमको लगता है कि आपके अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी आवश्यकता खाली अर्थशास्त्र ही, राजनीति शास्त्र की, बिना धर्म के राजनीति, कहा है इकबाल ने, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। दीन धर्म
वो मजहब अलग चीज है, दीन अलग है। तो दीन से ये सियासत से दीन खत्म हो जाती है तो वो चंगेजी रह जाती है। उसी तरह से अर्थ से अगर धर्म समाप्त हो जाएगा तो शोषण का संयंत्र बन जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि उन्होंने डॉक्टर गुप्ता ने अर्थशास्त्र पर पुस्तक नहीं लिखी है, उन्होंने सभ्यता के दर्शन का एक दार्शनिक विवेचन रखा। यह अपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र के, अर्थशास्त्र के लिए केवल अगर पुस्तक होती तो उसमें प्लानिंग पर होता, उत्पादन पर होता, स्वामित्व पर होता, वितरण पर होता, विनिमय पर होता, ये सारी चीजों पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर होता। लेकिन यह सभ्यता के दर्शन का है, इसीलिए क्षमा कीजिएगा, ऊंची नीची तो कहना नहीं, लेकिन अर्थशास्त्र के सामान्य पुस्तक से बहुत ऊंची। और इसीलिए आज अर्थशास्त्र का संकट वित्तीय संकट जो अब जिसकी तरफ थोड़ा सा इशारा हमारे डॉक्टर वैदिक कर रहे थे, ये अर्थशास्त्र जो अभी दुनिया का है वो संकटों के लिए ही बना हुआ है। और इसीलिए आप देखिए दुनिया में सभ्यता का संकट जिस अर्थशास्त्र की गलत अवधारणा के कारण, चाहे साम्यवादी जगत में हो चाहे पूंजीवादी जगत में, क्योंकि उनको सभ्यता का दर्शन नहीं है। टॉयनबी ने 33 सभ्यताओं और संस्कृतियों का अध्ययन करके कुछ निचोड़ रखा है, कभी विस्तार से कभी। अभी जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि हमारे सामने सभ्यता का एक सुस्पष्ट दर्शन होना चाहिए, अभी आपने चर्चा की, मैं तो एनडीए गवर्नमेंट में भी वही जो विचारधारा और जो कांग्रेस एक यूपीए एक कोई क्वालिटेटिव अंतर नहीं, गुणात्मक अंतर कहां पर आरोपी था। मैं बहुत स्नेह से कह रहा हूं कि वो भारत में भारतीय का खोज जाती, जिस देश में आज हम जीवित हैं, एक चीज की तरफ हमारे मित्र विद्वान मित्र उन्होंने संकेत कम किया, जगह समय कम था, आप लोग लंबी किताब को पढ़ना चाहे हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए थोड़ा संदेश दिया। ग्रामीण भारत का चित्र नहीं, ग्रामीण भारत के अर्थशास्त्र के बिना कोई भी अर्थशास्त्र अधूरा, लेकिन वो ग्रामीण अर्थशास्त्र के ऊपर मैं दूसरे संस्करण में जरूर वो करेंगे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारत के अर्थशास्त्र का मानचित्र क्या है, 9.5%, और अभी अहलुवालिया साहब ने कहा है कि 10.5% तक हम जाएंगे। जीडीपी का तो पोस्टमार्टम सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दिया है, अब मुझे करने की जरूरत नहीं, वैदिक साहब ये जीडीपी क्या है, जीडीपी 9.5% हम दौलतमंद हो गए। लेकिन अर्जुन सेन गुप्ता ने क्या कहा, 80 करोड़ भारत वासियों की आमदनी केवल औसत आमदनी, उसमें दूसरे लोग भी हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ अंबानी भी उसी औसत में, केवल 18 रुपया, और ये देश बढ़ रहा है महाशक्ति के रूप में। मैं समझता हूं कि महाशक्ति अपने को कहने में शर्म होनी चाहिए जब देश का इतना भूभाग भूखा। एक मुझे याद आ जाती है
जब पहला पहली पंचवर्षीय योजना बनी, ये तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व ही लोगों को क्या ख्याल था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग राष्ट्रीय योजना आयोग बना था। 25-27 भागों में उसकी रिपोर्ट है। जवाहरलाल जी थे और बहुत केकी शाह और बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने किया, और उसके बाद भी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल ने शुरू की, चाहे उस के तर्ज पर या किसी तर्ज पर। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में योजनाबद्ध अर्थ योजना यहां भारत में शुरू किया, तो उसमें संत विनोबा भावे भूदान पदयात्रा में घूम रहे थे, उनको निमंत्रित किया। बहुत एक छोटी सी बहुत आपको गंभीर बात सुनते बात की कहते, तो विनोबा जी को आमंत्रित किया कि राष्ट्रीय योजना का प्रारूप तैयार हो गया है, आप भी आकर अपनी राय दें। विनोबा जी ने कहा मैं आऊंगा, तो कहा कि हम भेज देते हैं हवाई जहाज का कि नहीं, हमको तो कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, तो जरा हम देखते आएंगे पैदल, तो नब्ज जरा जनता की देखते आएंगे, तो आपको सही सही राय दें। और यही राजघाट पर बैठक हुई थी, एक सवाल किया विनोबा जी कि आपकी ये राष्ट्रीय योजना है ना, तो राष्ट्रीय योजना में इसमें बेकारी सब लोगों को रोजगार देने का हो गया है? ता नहीं, वो तो अभी बड़ा मुश्किल है अभी तो। कहा तो ये राष्ट्रीय योजना नहीं है, मैं आपके मेहनत की कदर तो करता हूं, लेकिन इस राष्ट्रीय योजना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इसकी कीमत मेरी मगज में रद्दी की टोकरी के कागज पर। तो मैं आपसे ये कहता हूं, इस देश में ऐसे कितनी दर्दनाक छत्तीसगढ़ होंगे, और क्या इसका केवल अमेरिका के ड्रोन ले आने से? इसीलिए जब तक स्वतंत्रता के साथ समता की देवी का संयोग नहीं होगा, भारत ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त के पाठ करने का अधिकारी नहीं है। संगठध्वं संबदध्वं संमनांसि जानतः। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जो पब्लिक इकोनॉमिक्स की चर्चा जो होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए, लेबर इकोनॉमिक्स की भी चर्चा हो, श्रम। मैं एक गाड़ी पर बैठ करके आज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से रात में चला, तो मैंने पूछा ये गाड़ी कैसी है, ड्राइवर को पूछा आपको कितने पैसे, कहा सर 2500। मैंने कहा और जो जिसका ठेकेदार है उसको सर बहुत पैसे। आज इस देश में जो कुछ भी समाजवाद का था उसका श्राद्ध तब हो रहा है। एक ये रेलगाड़ी में कपड़े देने वाला कंट्रैक्ट, उससे पूछिए जो देता है कि तुमको कितने पैसे, 2500, और सरकार से कितना लेता है, बिचौलिया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, इस देश में प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। हम लोग जनता पार्टी में शामिल थे, हम लोगों ने घोषणा पत्र वो थे अर्थशास्त्र वाले घोषणा में वो भी शामिल, और था कि एक नया अभियान आया, हम नए दौर में आए तो 10 गुना से ज्यादा अंतर नहीं। कोई अगर इकोनॉमिक्स मुझे झूठा सवाल कर दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा क्षमा याचना के साथ। आज 63 वर्ष के बाद हिंदुस्तान समाजवाद की ओर नहीं घृणित पूंजीवाद से भी आगे निकल गया है,
और 10 लाख दोनों का अंतर हो गया। यहां पर माओवाद और नक्सलवाद ना होगा तो गांधीवाद होगा। मित्रों हमको समझना होगा, हमको समझना होगा परिस्थिति की अनिवार्यता और उससे खटा को हमारा धर्म कहां थे, विश्वामित्र जी कहां थे, सप्तम स्कंद देवी भागवत के भूख की ज्वाला से क्या वो चावन दाल तक किया। मैं ज्यादा चीज को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय चिंतन धारा में इस सब का जितनी समस्याओं तक की ओर मैंने आपका ध्यान थोड़ा सा खींचने का कोशिश की, चाहे राज धर्म हो चाहे हमारा और कोई धर्म अर्थ धर्म हो चाहे काम धर्म, ये सब का आधार जो हमारा धर्म है वह। और इसीलिए भारतवर्ष का अर्थशास्त्र, भारतवर्ष का राजनीति शास्त्र, भारतवर्ष का काम शास्त्र कोई अलग अलग शास्त्र नहीं, जीवन अखंड है। जीवन में राजनीति का खंड अलग और अर्थनीति का खंड अलग नहीं होता। लाइफ इज नॉट लाइक ए वॉटर टाइट कंपार्टमेंट, इट इज ए होप